हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटल गार्डन। ये देखिए, आज हम फिर से एक अनकॉमन रेयर प्लांट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये प्लांट रेयर क्यों होता है, इसका भी मैं रीज़न आपको बता दूंगी। ये जो प्लांट है, आप इसे देख रहे हैं, ये है गोम्फ्रेना रेड। एक्चुअली ये गोम्फ्रेना स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि इसका कलर जो है रेडिश ऑरेंज होता है, इसीलिए जो है इसे गोम्फ्रेना स्ट्रॉबेरी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है गोम्फ्रेना ग्लोबोसा। इस प्लांट में जो है कई कलर्स आते हैं, जैसे कि डार्क पिंक, पर्पल, वाइट एंड ये स्ट्रॉबेरी कलर, मतलब रेड कलर। इससे पहले दोस्तों मैंने आपसे गोम्फ्रेना वाइट, गोम्फ्रेना पिंक और गोम्फ्रेना जो डार्क पिंक या फेंट पिंक होता है, उसके बारे में जानकारी दे दी है। इस पर मैंने एक्चुअली पहले ही वीडियो बना दिया है और वो आपसे शेयर भी किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम इस बहुत ही खूबसूरत से रेयर प्लांट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये प्लांट रेयर क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो सीड से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते। जर्मिनेट होने के बाद भी इसके सर्वाइवल करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है अदर जो गोम्फ्रेना है उससे थोड़ा सा डेलिकेट होता है, और इसकी केयर करना भी दोस्तों जो है थोड़ा सा डेलिकेट ही होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अदर गोम्फ्रेना के सीड्स है उसमें जो है इसके ऊपर का कोटिंग लेयर बिल्कुल कॉटनी सा होता है, और उसी की वजह से वो डिस्पर्सल भी बहुत जो है जल्दी हो जाते हैं और ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है सीड जो बनते हैं वो उसके ऊपर एक आउटर पफी कवरिंग, टफ पफी कवरिंग होता है, और वो जो है रिमूव करने में बहुत ही हार्ड जाता है। और अगर वो रिमूव नहीं हुआ अपने हैंड से या फिर बाय डिग्रेडिंग से, तो उसके अंदर सीड होता है वो बाहर नहीं निकलता, और उसमें स्प्राउटिंग भी जो है नहीं होती। और निकलने के बाद भी ये प्लांट थोड़ा सा डेलिकेट होता है। समर में ग्रो करते हैं तो समर की धूप की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है। अब जब बारिश में ग्रो करते हैं तो बारिश के ज़्यादा पानी की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है। अगर आप विंटर में ग्रो करते हैं जहाँ पे हार्श विंटर हो, वहाँ पे तो ये अच्छी तरीके से ग्रो हो ही नहीं पाता। लेकिन जहाँ पे विंटर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, जैसे कि हमारे एरिया में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, तो ये विंटर में भी चल जाते हैं। लेकिन किसी भी जो है मौसम में आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन इस प्लांट को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं। ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं, ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं, और ठंड भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसे जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इस प्लांट को जो है मैंने डेलिकेट कहा है। ग्रो करने के लिए उतना ये इजी थोड़ा सा नहीं होता है। और जब भी आप इसे सीड से ग्रो करते हैं तो इसके जो सैपलिंग होते हैं वो सर्वाइवल मेरे पास तो ज़्यादा नहीं किए थे। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपके साथ ये शेयर करते हुए कि ये जो मेरा प्लांट है, मैंने 3 से लेकर 4 साल से ट्राई किया है इसके सीड। कई बार जो है इसके सीड जर्मिनेट नहीं होते थे बिल्कुल भी, तो मैंने एक आइडिया किया कि उसके ऊपर का जो पफी लेयर है, लेयर होता है वो निकाल कर उसके अंदर जो ब्राउनिश जो सीड होते हैं उसको सेपरेट करके मैंने लगा दिया। लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद भी वो सीड जो है जब जर्मिनेट हुए तो उसकी जो सैपलिंग होती है छोटी छोटी, वो कई बार डेड हो गई, गल गई या फिर वो सड़ गई। उसके बाद उसमें से जितने भी थोड़े से जो स्प्राउटिंग हुई वाले जो सैपलिंग थे थोड़े से बड़े, वो भी जब मैंने ट्रांसप्लांट किया तो वो भी ख़राब हो गए। लेकिन ये जो है गलती से इस पॉट में 1-2 गिर गए थे, इसमें से भी कई मेरे जो सैपलिंग थी वो भी ख़राब हो गई। लेकिन आखिर में ये एक ही प्लांट अब रह गया है, और इसी में अब फ्लावरिंग हुई है, तो इसी बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि 4 साल वेट करने के बाद ये अब मेरे गार्डन में खिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही विंटर
का जो टेम्परेचर है बहुत ही लो हो जाएगा, फिर से ये इसमें प्रॉब्लम आना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तो विंटर उतने हार्श नहीं है दोस्तों, तो चलिए उसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इस प्लांट के ऊपर हम आज वीडियो बना ही देते हैं। उधर जो गोंफ्रेना होते हैं वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब पत्ते ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके पत्ते जो है ज़्यादा डेंस नहीं होते, इस तरीके से पतले पतली सी इसकी ब्रांचेस होती है। और इसकी स्टॉक, ये देखिए दोस्तों, स्टॉक तो बहुत ही लंबी होती है। और ये प्लांट सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं और स्टेम कटिंग से भी ये प्लांट अच्छा ग्रो हो जाता है। स्टेम कटिंग आप बरसात में लगाते हैं तो भी ग्रो हो जाएंगे, अगर आप थोड़े से अर्ली विंटर में ग्रो करेंगे तो उसे कवर करके, जो पॉलीथीन बैग होती है उसे कवर कीजिएगा ताकि ये प्लांट अच्छी तरीके से इसमें रूटिंग आ जाएगी। वैसे तो मॉडरेट टेम्परेचर में ये बहुत ही अच्छा चलता है। तो इस प्लांट को जो है ये देखिए, उतना घना ये नहीं होता है, इसलिए डिसीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इस पॉट को मैंने, इस प्लांट को पॉट जो है दोस्तों, मैंने ये मेरा 12 इंच का है, लेकिन आप 7 इंच से लेकर 10 इंच तक का दे दीजिए। ज़्यादा बड़ा पॉट देंगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और मिट्टी जो है इसकी वेल ड्रेन रखिएगा, खाद की भी इसे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अच्छी इसकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए इसका पॉटिंग मिक्स जो है मैंने बनाया था इस पॉट में, वो था 50% या 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और अदर जो है मैंने कंपोस्ट मिला दिया था। क्योंकि ये प्लांट जो, ये पॉट जो था मैंने किसी दूसरे प्लांट के लिए बना दिया था, लेकिन इसके सीड जो है मैंने इसमें भी डाल दिए तो वही ग्रो हो गए हैं। उसके साथ दोस्तों इसको पानी भी जो है मॉडरेट दीजिएगा, ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। ये प्लांट फुल सनलाइट का है इसलिए इसे फुल सन में रखिएगा। अगर आप इसे समर में ग्रो कर सकते हैं, करते हैं जनवरी फरवरी में, तो जो हार्श सनलाइट होती है उसे बचा के शेमी शेड में आप इसे या फिर नेट के नीचे जो है आप इसे रख दीजिएगा। इस पर जो है ज़्यादा कोई डिसीज़ का अटैक नहीं लगता, लेकिन मिली बग किसी को नहीं छोड़ता, इसीलिए एवरी 15 डेज़ में आप इसे थोड़ा थोड़ा जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहिएगा। फंगस तो इसमें ज़्यादा मुझे नहीं दिखा है, लेकिन कभी कभार जब अदर प्लांट में आप फंगिसाइड जब यूज़ करते हैं तो इसमें भी डाल दीजिएगा। अदर इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन ये प्लांट घना नहीं हो जाता। जितने प्लांट घने हो जाते हैं उसमें उतनी ही इंसेक्ट की प्रॉब्लम या फिर फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो इसके सीड जो है दोस्तों बहुत ही, अदर जो गोंफ्रेना होते हैं उसके कंपेयर करते हुए ये बहुत ही जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं। दूसरे प्लांट जो है ये देखिए, इसके सीड बिल्कुल हाथ लगाने से या फिर हवा का जो झोंका आता है उससे जो है गिर जाते हैं, लेकिन दूसरे गोंफ्रेना के निकालने पड़ते हैं। इसका जो फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत है। ये है, ये आपके सामने इसका फ्लावर नहीं है दोस्तों, ये ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन। और उसके अंदर जो आपको छोटे छोटे येलो दिख रहे हैं रियली में, वो उसके फ्लावर्स है। और ये जो है बिल्कुल पेपरी सा इसका टेक्स्चर होता है, और कई दिनों तक ये ऐसे ही लॉन्ग लास्टिंग करते रहते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ज़रूर मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।